सुभान अल्लाह। सवाल किया गया है इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, अदब क्या है। इश्क वो तो जान है, अदब मोमिन की पहचान है, मोहब्बत रसूल ये ईमान की हलावत है। तो इसलिए सुबानी कलमा तो हर कोई पढ़ता है, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क ना हो, मोहब्बत ना हो, दिल में अदब रसूल ना हो, कभी वो मंजिल को नहीं पा सकता। इसलिए जिसके दिल में अदब होगा, मोहब्बत रसूल होगी, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस पर मुनादरा नहीं करेगा, नूर बशर की बात नहीं करेगा, बल्कि वो मोहब्बत की बात करेगा कि अल्लाह ने ऐसा महबूब बनाया कि अंबिया आरजू करते थे या अल्लाह हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना देता, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है अदबु औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतेही व किरातल कुरान, क्योंकि आपने बेअदबी की मुज़म्मत करते हुए दर हकीकत फरमाया अदबु औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को तीन चीजों का अदब दे जाओ, हुब्बे रसूल, हुब्बे अहले बैत, किराते कुरान, बच्चों को कुरान का कारी बना जाओ। तो इसमें इश्क मोहब्बत अदब का दर्स ही तो मिल रहा है। अल्लाह ताला समझने और मानने की तौफीक अता फरमाए।